डियर राइटर्स, अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे रिजल्ट्स इन डिस्कशन, जो कि थीसिस में फोर्थ चैप्टर कहलाता है। जनरली ये जो चैप्टर है, दो चैप्टर्स में भी डिवाइड हो सकता है, तीन चैप्टर्स में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सेक्शन टू बी कवर्ड। इफ़ योर सुपरवाइजर वांट्स ऑल सेक्शंस इज चैप्टर्स इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर्स, तो आप इसको चैप्टर इसमें कर सकते हैं। अदरवाइज एक तमाम के तमाम सेक्शंस को आप एक चैप्टर के अंदर भी कर सकते हैं। एक चीज़ और जो कि हमने स्किप कर लिए रिसर्च मेथडोलॉजी वाले चैप्टर में, अब वो ये कि रिसर्च मेथडोलॉजी में हम जो ख़ास तौर पर प्रोपोजल की रिसर्च मेथडोलॉजी होती है, उसमें गैंट चार्ट डालते हैं और रिसोर्स प्लान डालते हैं। गैंट चार्ट में हम जो चीज़ें डाल रहे होते हैं वो ये होती हैं कि हम हमारी जितनी भी स्टडी है उसमें जितने भी चैप्टर्स हमने कवर किए हैं या करने हैं वो किस टाइम के अंदर करेंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें वीक वन लगेगा, टू वीक्स लगेंगे, चार वीक्स लगेंगे, या चौथे वीक्स में होगा, पाँचवें वीक में होगा। जस्ट हमने इस तरह की टेबल क्रिएट करनी होगी। आप इसी टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो इशू। इसको हम टाइम प्लान भी बोल सकते हैं, गैंट प्लान भी कर सकते हैं, कह सकते हैं गैंट चार्ट भी कर सकते हैं और टाइम लाइन भी कर सकते हैं। इसके तमाम के तमाम नाम होते हैं, लेकिन इसका मतलब यही होता है कि हमें टाइम डिफाइन करना होता है कि जितने भी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं आप अपनी स्टडी के, रिमेंबर आप अपनी स्टडी के चैप्टर्स डालेंगे और उसी के हवाले से आप बताएंगे कि कितने टाइम में कौन सा चैप्टर कवर होगा और कितने वीक्स में होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइम प्लान। उसके बाद रिसोर्स प्लान, जो भी नॉट नेसेसरी होता है, ऑप्शनल होता है, चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। एक्टिविटीज हम एक साइड में लिखेंगे, उसके अगेंस्ट हम कॉस्ट लिखेंगे। इट अगेन डिपेंड्स कि आप किस कंट्री से रिलेटेड असाइनमेंट कर रहे हैं। यूके के कर रहे हैं तो पाउंड, यूएस के कर रहे हैं तो डॉलर, पाकिस्तान के कर रहे हैं तो आप PKR लिखेंगे। हर करेंसी की अपनी साइन होगी। उसके बाद दोबारा हम आते हैं रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन हमारा चैप्टर 4 होता है, जिसको हम फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इसको के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स, फाइंडिंग रिजल्ट्स, डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स, डिस्कशन ऑन रिजल्ट्स, तो इस तरह के डिफरेंट नाम्स होते हैं। इसमें रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स में जो मेन बेसिक डिफरेंस हैं वो ये है कि फाइंडिंग्स जो है वो की रिस्पॉन्सेज होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ इंटरव्यू, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। इन अदर वर्ड्स वो हमारा रॉ डेटा होता है, जब उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, उसको मीनिंग देते हैं, तो वो कहलाती है रिजल्ट। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन को रिजल्ट बोलते हैं, और फाइंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं, टेबल वगैरह की बोलते हैं, और जो रॉ रिस्पॉन्सेज होते हैं जब इनको समराइज करते हैं हम उनको जो है पर्टिकुलर फॉर्म देते हैं और मीनिंग देते हैं तो रिजल्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद डिस्कशन होती है। अच्छा, रिजल्ट्स एंड फाइंडिंग्स का अलग चैप्टर भी हो सकता है और एक चैप्टर भी इसी चैप्टर के अंदर भी हो सकती हैं। ऐसे ही डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स भी हो सकता है, और इस चैप्टर में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कर रहा है रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स जो कि आपके यहाँ पर आ रहे हैं। अगेन ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके रिजल्ट्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। आपके रिजल्ट्स इंटरव्यूज़ पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स सर्वे पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके रिजल्ट्स फाइनेंशियल डेटा पे बेस कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स इकोनॉमिक डेटा पे रिजल्ट बेस कर रहे हो, आपके रिजल्ट्स केस लॉज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। आपके रिजल्ट्स किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जिस चीज़ पर डिपेंड कर रहे होते आप उस चीज़ का मेंशन करेंगे, और डिपेंड कर रहा होता है कि आपके रिजल्ट्स सिस्टमेटिक रिव्यू पे डिपेंड कर रहे होते हैं। इट ऑलवेज़ और डिपेंड्स अपन नहीं, कोई भी चीज़, कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी टेम्पलेट चाहिए, कोई भी सैंपल चाहिए, आपको फॉर्मेट चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में, APA, हार्वर्ड, वैंकूवर, जितनी भी चीज़ें हैं, रेफरेंसिंग हो, फॉर्मेटिंग हो, कुछ भी हो, आप जो है ना सैंपल ईमेल कर सकते हैं या गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं और गाइड ले सकते हैं। खैर, इंटरव्यू एनालिसिस में होता है, जितने इंटरव्यूज़ होते हैं इंटरव्यूज़ की डेमोग्राफिक आती है, उसमें हम बताते हैं कि भाई कौन है हमारे पार्टिसिपेंट, जेंडर क्या है, उनकी एज क्या है, टाइटल क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस होती हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड देयर एनालिसिस, ये जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे कि यहाँ पर हमने इंटरव्यू क्वेश्चन बनाए थे 5-6, आप हर क्वेश्चन इंडिविजुअली लिखेंगे और उसके नीचे रिस्पॉन्स लिखेंगे। इंटरव्यू एनालिसिस का अलग अब एक ट्यूटोरियल बनाएंगे, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है जिसकी वजह से हम इसको अभी स्किप कर रहे हैं, जस्ट इसका पर्पज़ और कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस, देयर एनालिसिस,
यानी क्वेश्चन लिख लिए, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्डर वन दिस वाज दिस दिस, तो रिस्पॉन्डर वन ने जो बात करी होगी, फिर उसके रिस्पॉन्डर टू ने जो बात करी होगी, उसके बाद आखिर में एक कंक्लूसिव लाइन होगी कि भाई बेस्ड ऑन दिस कैन बी सेड या इट कैन बी डिड्यूस्ड या इट कैन बी इन्फर्ड, इस तरह की आपने एक समरेटिव सम लाइन बतानी होगी ताकि आपने क्या समझा उनके रिस्पॉन्सेज से। उसके बाद सर्वे क्वेश्चन एनालिसिस, सर्वे क्वेश्चन एनालिसिस अगेन तब किया जाता है जब आपकी स्टडी में सर्वे क्वेश्चन एनालिसिस होगा, अगर नहीं होगा तो आप इस सेक्शन को डिलीट करेंगे। ऐसे ही इंटरव्यू सेक्शन के साथ भी यही हालत करेंगे कि अगर आपकी स्टडी में अप्लाई हो रहा है तो ठीक है, वरना आप उसको रहने दें। उसके बाद मॉडल समरी, मॉडल समरी सर्वे क्वेश्चन एनालिसिस का पार्ट होती है, मॉडल समरी होती है, फिर कोरिलेशंस होती हैं, फिर रिग्रेशन होती है, फिर जो है फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इनके इनसे रिलेटेड मैंने अलग ट्यूटोरियल बनाया है, एसपीएसएस का ट्यूटोरियल है, उसी में आप देखेंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएंगी कि इनको इंटरप्रेट किस तरह करना है और ये किस तरह परफॉर्म की जाती है एसपीएसएस के थ्रू, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रिमेंबर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ईवीओस या स्टाटा के थ्रू एनालाइज की जाती है। स्टाटा या ईवीओस ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सेकेंडरी डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, सेकेंडरी क्वांटिटेटिव डेटा को। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कि रेशियोज होते हैं, एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेकेंडरी होती है और वो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज हो रही है। लेकिन जो प्राइमरी डेटा होता है वो एसपीएसएस के थ्रू होता है, जैसे कि सर्वे हो गया वो हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रहे होते हैं वो एसपीएसएस के थ्रू होता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेशियोज आएंगी, जैसे कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ सर्वे रिस्पॉन्स होते हैं सेम लाइक इसमें फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेशियोज आएगी, और अदर एनी डेटा ऐसे ही अदर रिलेवेंट टेस्ट होगी, वो डिपेंड कर रहा हो कि ताकि आपकी थीसिस की नेचर क्या है और आपकी थीसिस में क्या चाहिए, आपका सुपरवाइजर क्या देखना चाहता है। ऐसे ही काई स्क्वायर रिग्रेशन है, कोरिलेशन है, सैंपलिटी टेस्ट है। उसके बाद इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस है, जीडीपी का एनालिसिस कर रहे हैं आप, एक्सपोर्ट वैल्यूज देख रहे हैं, इंपोर्ट वैल्यूज देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट देख रहे हैं, पॉवर्टी लाइन देख रहे हैं, या पॉवर्टी से रिलेटेड रिसर्च है तो आप उसमें इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस लिखेंगे। लेकिन वो भी अगेन ईवीओज और स्टाटा पे होगा। ईवीओज और स्टाटा से रिलेटेड भी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग के ईवीओज या स्टाटा किस तरह चलाना चाहिए। उसके बाद इमेज पिक्चर एनालिसिस, ये तब यूज़ होता है जब हमारी स्टडी केस लॉ पे बेस कर रही होती है, या हमारी स्टडी आर्ट से रिलेटेड है, या हमारी स्टडी ड्राइंग से रिलेटेड है, या हमारी स्टडी किसी कल्चर से रिलेटेड है, तो हमने इमेजेस निकाले गूगल इमेजेस से उसी से रिलेटेड, तो उसी को हमने इंटरप्रेट किया या उसी को मीनिंग दी कि भाई ये इमेज क्या शोर कर रहा है, इसका क्या पर्पज़ है। फिर हम करते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, जिसको जो कि खास तौर पे डिस्कोर्स एनालिसिस में यूज़ हो रहा था। डिस्कोर्स एनालिसिस लैंग्वेज को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है कि लैंग्वेज के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं या लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है, लैंग्वेज की एक्विजिशन है वो किस तरह होती है, और उसके अलावा भी डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ हो रहा होता है जहाँ जो स्टडी खासतौर पर जो जर्नलिज्म की स्टडीज होती है वहाँ पर, क्योंकि जर्नलिज्म में हम न्यूज़ देख रहे होते और न्यूज़ को एनालाइज कर रहे होते, जिसकी वजह से उसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है। उसके बाद थीमेटिक एनालिसिस या कंटेंट एनालिसिस, वो इंटरव्यूज़ में यूज़ हो रहा होता है, वो सेम ही होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं, जो मैंने आपको पहले बता दिया उस वही होता है। और दूसरा एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो एनालिसिस जो मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं, जो मेथड यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस का, वो आपने ज़रूर मेंशन करना है बोथ इन रिसर्च मेथडोलॉजी और यहाँ पर भी क्या भाई वही मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एक केस लॉ एनालिसिस, केस लॉ एनालिसिस जो है अगर आपकी स्टडी में केस लॉज हैं, आपकी स्टडी लॉ से रिलेटेड है, तो आप केस लॉज देखेंगे, जैसे कि भाई अयूब ने एक्स वाई जी को मार डाला, तो उस पर जो केस बनेगा, उसका जो फाइन होगा वो किस तरह प्रिपेयर होगा, वो क्या प्रोसीजर्स होंगे और कितना फ़ाइन डलेगा, तो उसको हम रिलेट करेंगे अदर केसेस में, देखेंगे पूरी हिस्ट्री में जाके उसी कंट्री में या किसी और कंट्री में, लेकिन हमने तो भी स्पेसिफिक होना होता है उसी कंट्री के रिलेटेड जिस कंट्री के अंदर रिसर्च की जा रही है, तो उसी से के हिस्ट्री में जाके उस सेम नेचर के केसेस उठा के और उनके साथ कंपेयर करना होता है, फिर कंक्लूजन ड्रा करना होता है या जस्ट बताना होता है कि भाई इन केसेस की नज़र में इस केस के साथ भी ये हालत होनी चाहिए और इस केस के साथ भी इतना फाइन या इतनी जो ये चीज़ें इम्पोज करनी चाहिए। अब अगर हम सिस्टमेटिक रिव्यू का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम यहाँ आते हैं, ये टेबल देखेंगे जहाँ पर ऑथर टाइटल और एम वगैरह मेथड बताते हैं। ये आप अगर मेरे बिब्लियोग्राफी वाला लेक्चर देखें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट को ही हमने रिफ्रेश करना होता है, उसको अलग अलग करके निकालना होता है। उसके बाद हम जो है इन चीज़ों को देखते हैं, डिस्कशन ऑन फाइंडिंग्स कंपेयर कर रहे होते हैं, और लिमिटेशन और इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग,
तो यहाँ तक ये चीज़ें होती हैं, फर्दर डिटेल में हम अदर वीडियोस बनाएंगे।